क्या हुआ शुभम, परेशान कैसे लग रहे? अरे प्रवीण भाई क्या बताऊँ मैं आपको, कई दिनों से ऑनलाइन अर्निंग के लिए ट्राई कर रहा हूँ कि ऑनलाइन अच्छा। अर्निंग हो जाए। मैंने कई वीडियोस भी देखे हैं, आपके देखे हैं, आर्टिकल भी पढ़े हैं कई, जो कहते हैं भैया लाखों कमाओ। अच्छा, लेकिन कुछ नहीं मिलता। मुझे लगता है सब बेवकूफ़ बना रहे, क्योंकि मेरे हाथ में 10 रुपये भी नहीं आए। नहीं नहीं शुभम, बेवकूफ़ कोई नहीं बना रहा है। ये बताओ शुभम कि कौन कौन से तरीकों पे काम किया तुमने अभी, और कितने घंटे देते हो रोज़? घंटे देखो, रात को 8 बजे आता हूँ लगभग मैं ऑफिस से। उसके बाद माइंड फ्रेश करने के लिए थोड़ी देर गेम खेल लिया, और दोस्तों से परिवार वालों से बात बात करके जो थोड़ा बहुत टाइम मिलता है मैं उसमें ऑनलाइन अर्निंग के लिए ट्राई करता हूँ। कौन कौन से मेथड ट्राई करते हो, कुछ पता है, कुछ बताओगे? तरीके तो कहीं पता है, मैंने किए भी हैं, जैसे यूट्यूब में वीडियो बनाए मैंने। अच्छा, ब्लॉगिंग भी ट्राई करी है, कई रीसेलिंग ऐप भी है जैसे मीशो हो गया, और भी कई हैं जिसमें मैंने रीसेलिंग का ट्राई किया है। वही है। तो कोई फिक्स टाइम देते हो ऐसे, या फिर कोई भी ट्राई कर लेते हो? फिक्स टाइम तो नहीं है प्रवीण भाई, देखो जॉब वाला बंदा हूँ। अच्छा, तो जॉब भी नहीं छोड़ सकता हूँ। ठीक है, बिल्कुल। बट यही है कि जो टाइम मिलता है कभी हफ्ते में 2-4 बार मैं ट्राई करता हूँ इस चीज के लिए। बस प्रवीण भाई आप भी कोई तरीका बताओ मुझे, जिससे मैं 0 इन्वेस्टमेंट में कम से कम टाइम में मेरी ज्यादा अर्निंग हो जाए, क्योंकि ये सब चीजों के लिए मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। अच्छा, ऐसा है। तो चलो फिर कुछ रास्ता निकालते हैं इसके बारे में भी, क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं देखते हैं। ठीक है प्रवीण भाई। तो देखा दोस्तों आप लोगों ने, ये जो प्रॉब्लम थी ना, अभी जो हमारे साथ महाशय बैठे थे, अपनी प्रॉब्लम हमारे साथ शेयर कर रहे थे, ये सिर्फ इनकी नहीं है, आप में से भी बहुत सारे लोगों की होगी। आप में से बहुत सारे लोग काम तो बहुत करते हैं, कोशिश तो करते हैं, बट पैसा नहीं आ पाता। बहुत सारे लोगों की मुझसे ये सवाल होते हैं कि प्रवीण भाई कोई जीरो इन्वेस्टमेंट वाला काम बता दो। तो आज का ये जो वीडियो है, मैं इसमें जीरो इन्वेस्टमेंट वाले काम तो आपको बताऊंगा ही बताऊंगा, साथ में आप लोगों को कुछ टिप्स भी दूंगा जो आप लोगों ने हमेशा याद रखने हैं जब आप अगर इंटरनेट से पैसा कमाना चाहते हो या फिर ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हो। देखो सबसे पहली चीज है कि आप यहाँ पे टाइम फिक्स नहीं करते कोई चीज के लिए। जैसे ये महाशय थे हमारे साथ जो अभी बैठे थे, ये इनका कोई टाइम फिक्स नहीं था। इन्होंने सोचा कि मैं यूट्यूब भी कर लूंगा, ब्लॉगिंग भी कर लूंगा, मैं उसमें भी काम कर लूंगा, बट टाइम नहीं दिया। क्या आपको लगता है 1-2 घंटे देके आप लाखों हजारों रुपए कमा सकते हो? कहीं भी पॉसिबल नहीं है दोस्त। थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचने की आदत डालनी है। तो सबसे पहले आप लोगों ने टाइम फिक्स करना है कि कितना टाइम देना है, उसके बाद एक चीज पे काम करना है। यानी कि सभी चीजों में काम कर रहे हो और कमा कुछ भी नहीं पा रहे। YouTube अपने में अलग फील्ड है, ब्लॉगिंग अपने में अलग फील्ड है, रीसेलिंग करनी है तो वो अपने में अलग फील्ड है। तो आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा कि किस में आप सही हो और उसी में आप लोगों ने काम करना है। अगर आप YouTube से रिलेटेड या ब्लॉगिंग से रिलेटेड चीजें देखना चाहते हो ना, तो मैंने आप लोगों के लिए सारी चीजें एक्सप्लेन की है। चैनल पे जाना, आई बटन पे ऊपर चेक कर लेना, आप लोगों को वीडियोस मिल जाएंगे। तो मेरा कहने का पॉइंट है कि आप लोगों को टाइम मैनेज करना पड़ेगा रोज। ऐसा नहीं कि 1 दिन कर लिया, 2 दिन नहीं किया और कहा कि मेरी अर्निंग नहीं हुई। अगर मैं अपनी बात बताऊं तो हम रोज काम करते हैं, इसको एज ए काम देखते हैं डिजिटल मार्केटिंग को, तब हम डिजिटल मार्केटिंग से पैसे कमा पाते हैं। एक सिंगल डे नहीं होता कि जब मैं आप लोगों के लिए वीडियोज नहीं लेके आता। आप लोग ये वीडियो देख रहे हो ना, तो इसमें पीछे बहुत मेहनत लगती है, तब जाके कोई वीडियो क्रिएट होता है या डिजिटल मार्केटिंग के जो हमारे कैंपेन्स होते हैं उनको हम पूरा कर पाते हैं। ठीक है, तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। जैसे आप अपनी जॉब में करते हो, अपने बिजनेस में करते हो, वैसे ही ये आपका एक बिजनेस, आपको इसको देखना चाहिए और आपको इसमें मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके अर्निंग होगी दोस्तों। अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ 4 ऐसे काम जो आप जीरो इन्वेस्टमेंट में शुरू कर सकते हो, जिसमें पैसे की दरकार नहीं है, बट यहाँ पे आप अगर मेहनत करते हो जैसा मैंने आप लोगों को बताया, तो आप यहाँ पे जरूर कमाओगे। पहली जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है रीसेलिंग ऐप्स। जैसे कि अभी बता रहा था ना हमारे दोस्त की, भाई मैं रीसेलिंग ऐप में काम करता हूँ, मीशो वगैरह, तो मीशो एक बहुत अच्छा ऑप्शन है दोस्तों। आप लोगों ने कुछ नहीं करना होता, मैंने पहले भी बताया, मैं फिर बताऊंगा जो लोग जीरो इन्वेस्टमेंट में शुरू करना चाहते हैं, कि भाई यहाँ पे जितने भी प्रोडक्ट्स आप लोगों को मिलते हैं उनको शेयर करो दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ। ये मत सोचो कि यहाँ पे यू नो अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, तो लोग आपसे क्यों लेंगे। लोगों को बेहतर प्रोडक्ट चाहिए होता है, अगर आप उनको वो डील दे दोगे वो आपसे ले लेंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो जो प्रोडक्ट है वो आपकी तरफ से आ रहा है या फिर अमेजोन की तरफ से, समझे। अगर आप मीशो से रिलेटेड भी डिटेल में वीडियो चाहते हो तो मैंने चैनल पर बनाया है, ऊपर आई बटन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लेना। ठीक है, दूसरा जो हमारा तरीका है दोस्तों वो है क्विकर और OLX का। आप लोग क्विकर और OLX की जो ऐप्स हैं इनको जानते होंगे, इनमें आप लोगों को बहुत पुराना सामान मिल जाता है बेचने को, आप भी अपने घर का बेच सकते हो। तो यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले कि आप जो है क्विकर से कोई सामान आपको पसंद आता है, आपको लगता है ये बिक सकता है सामने, तो उस बंदे से बात कर लो। लेट्स से एग्जांपल देता हूँ, आपको एक फ़ोन मिल गया क्विकर पे, तो आपने क्या करना है उस फ़ोन वाले से बात करनी है जिसका वो फ़ोन है, उस
उससे बात करके उसी की फोटो को वापस से रीसेलिंग के लिए क्विकर पे अपना एक नया हेड डाल दो या फिर ओएलएक्स पे डाल दो। जब आपको कोई क्वेरी आ जाए उसके लिए तो आप उसको बेच दो और अपना प्रॉफिट कमा लो। लेट्स से जो आपको ये फ़ोन दिखा है ये है 5,000 रुपये का, अब आपने सामने इसकी फ़ोटो डाली 6,000 रुपये में, आपको एक ग्राहक मिल गया 6,000 वाला, तो आपने 5,000 वाले से खरीदा, 6,000 वाले को दे दिया, 1,000 रुपये का आपका प्रॉफिट हो गया। एक तो ये तरीका है जिसमें आपका कोई इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। तीसरा जो हमारा तरीका है वो YouTube वीडियोस का है। YouTube वीडियोस बहुत पॉपुलर हो रहे हैं दोस्तों, आप लोगों ने अपना स्ट्रेंथ पहचाननी है और उस हिसाब से आप लोग अगर YouTube पे आते हो तो ज़रूर कमाओगे। चौथा जो हमारा तरीका है वो है वेब डिज़ाइनिंग का। अगर आप लोगों को वेबसाइट्स बनानी आती है तो आप फ्रीलांसिंग जो वेबसाइट्स हैं जिनमें आप काम करके यहाँ पे पैसे कमा सकते हो, चाहे तो आप अपना फेसबुक का पेज बना दो, इंस्टा पेज बना दो, लोगों को बताओ कि भाई आप वेबसाइट बनाते हो, या फिर गूगल माई बिजनेस की तरफ से अपनी अपना एक पेज बना के अपने आप को प्रमोट करो यूट्यूब पे गूगल पे, ताकि आप यहाँ पे उससे एक्स्ट्रा अर्निंग कर सको। तो दोस्तों मैं लास्ट में आप लोगों को यही चीज़ सजेस्ट करना चाहूँगा कि काम करो, थोड़ा सा टाइम मैनेज करके काम करो, रोज़ 2-3 घंटा दोगे किसी पर्टिकुलर चीज़ में जो आपको पसंद है तो आप कमाई ज़रूर करोगे। मुझे नहीं पता कितने पैसे कमाओगे बट डेफिनेटली आप कुछ ना कुछ पैसे फ्री में तो कमा ही लोगे, राइट। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर करें। इसके अलावा और भी बहुत सारे वीडियो जैसे कि मैंने बताया हमारे चैनल पर मिल जाएंगे, तो उन वीडियोज़ को भी आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, कुछ वीडियोज़ के लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, बाकी आप हमारा चैनल चेक करना ना भूलें। तो दोस्तों जल्दी अगले वीडियो में मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।